शॉप का नाम स्टूडियो का नाम एटीट्यूड टर्टल शॉप था। दीदी क्यों ना संजू भैया की व्लॉग आया है। उनकी पॉटी पॉटी कौन साफ करेगा? मैंने में जा चुका है। नहीं क्या है छोली छोली नहीं। टैटू तो कंप्लीट हो चुका है डीएनए वाला, बट अभी इसके अंदर कैलीग्राफी रह गई है और वो कैलीग्राफी मैं खुद ही ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो अभी देखते हैं कैलीग्राफी कैसे ड्रॉ होती है और कैसे टैटू कंप्लीट होता है। तो गाइस फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, डीएनए टैटू डीएनए में जा चुका है। तो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और प्लीज चेक आउट दिस वर्क फिनिशिंग वगैरह। गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और अभी देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या रहती है। नेक्स्ट कोई कैलीग्राफी या लाइक कुछ है ना भाई हिंदी में है ना मंत्र वगैरह का टैटू है तो वो वाला भी करते हैं, ऐसे 101% बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इधर भैया का अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, भैया से हाय। भैया कहाँ से आए हो आप? कहाँ देखा था आपने?
का, तो फॉलो तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। अच्छा। जब आपका शॉप का नाम स्टूडियो का नाम एटीट्यूड टैटू शॉप था। अच्छा 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 चेंज हो गया। अच्छा अच्छा तो मैं तो फॉलो करता हूँ। अच्छा। थैंक यू। और भैया पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, पर मुझे पता ही कहाँ से आए, कहाँ से? अमरोहा से। हाँ, और इधर भैया का ये वाला है टैटू, और ये वाला है, और इधर भैया का ये वाला। भैया किसके होना है? दीदी के होना है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक, जो भी अपॉइंटमेंट से सब। आज का पूरा ऐसे ही बिजी डे होने वाला है। मैम अभी ऑलमोस्ट मुझे 15 से 20 मिनट इन्हें निपटाने में लगेंगे, मतलब सॉरी इनका टैटू कंप्लीट करने में, और 15-20 मिनट आपका करते हैं। ठीक है, इतना कोऑपरेट करो ब्रो। ठीक है, इतना क्योंकि भैया का पहले से था, आपका बाद में था, तो ऐसे ऐसे कुछ था। उनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, भैया की सेकंड थी, आपकी थर्ड थी, तो इतना तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैम का ये होना है मॉम डेट। अभी अमन फ्री हो रहे हैं ना, अभी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतनी एसी चल रही है, उसके बाद भी पसीना आ रहा है। अब एसी खराब है, हम खराब हैं, वो कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो भाई शुरू स्टार्ट करें। इधर अमन का टैटू चल रहा है, अमन क्या ड्रॉ करा है? महाकाल। क्लियर फिनिशिंग है टैटू के अंदर। और गाइस जिसको भी टैटू वगैरह कराना है कॉन्टेक्ट करो। भैया कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। ओके, वन मोर हील टैटू। और ये भी देखा होगा आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, परफेक्ट हील हो चुका है। क्या क्वालिटी आई है, फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। कितने टाइम हो गया भैया ऐसे? दो महीने। दीदी मेरी अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है, लास्ट अपॉइंटमेंट मेरी चल रही है, मतलब वो अभी हाफ कंप्लीट हुई है, मतलब हो तो चुकी है, उनका एक पार्ट हो चुका है कुछ टैटू का, तो दूसरा पार्ट रह गया है अभी। और तो अभी हम सोच रहे हैं, अभी बच चुके हैं 4:19 हो रहे हैं, और अभी लंच का टाइम मिला है, तो सोच रहे हैं फर्स्ट लंच कर लें। तो चलिए अभी लंच करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अभी टैटू और क्या रहते हैं आगे के। आ जाओ, आओ मेरी टीम। अभी लंच में आए हैं, क्या है? छोले पूड़ी और राइस है। तो मम्मी के हाथ का है, बहुत टेस्टी लगते हैं छोले। तो गाइस अभी पहले छोले खा लेते हैं, और हम लोग ऐसे ही नीचे बैठ के खाते हैं भाई, इतना कोई प्रोफेशनली वो नहीं है, पूरा सेटअप डाइनिंग टेबल वगैरह लगा रखी है स्टॉक में, इतना बड़ा कुछ नहीं है। आप लोग कोऑपरेट करोगे जब, क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तभी जाके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। लाइक कमेंट शेयर, आई पीछे से आवाज आती रहेगी, लंच के टाइम पे तो जरूर आएगी। भूमि कर रही है सर्व, भूमि कैसे सर्व कर रही हो? ये पूड़ी पे छोले कौन रखता है? बाबा जी अब मुझसे जो कहना वही तो करूंगी मैं। बाबा हाय करो, इधर करो हाय। ये अवर विक्ट्री बाबा, विक्ट्री बना रहे हैं, विक्ट्री। ये वो कैमरा क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है। भारी बहुत अच्छी आ रही थी। अच्छा देखिए, किसने देखी है? अच्छा 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 क्या भैया? संजू भैया क्या क्या कहते हैं तुम्हारे भाई बहन? भाई संजू भैया, ये कैसे सर्व हो रहा है? ये हो क्या लेते हैं? चलो गाइस अभी खा लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं बात। आ जाओ खा लो जो खाना है। सी यू सून। क्या चल रहा है मन? अभी क्या करना है? मैम का दिल लाल करना है, चाहिए मैम के टैटू का दिल लाल करना है। अभी खाली है मैम का। अच्छा 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 अभी इधर क्या चल रहा है? स्केचिंग। स्किन पैड करा आज थोड़ा बहुत? और इधर क्या चल रहा है? फाइनली मेरी तो सारी अपॉइंटमेंट आज की क्लियर हो चुकी है, और मैं हो चुका हूँ फ्री। तो अभी कुछ मैंने छोटी सी क्रिएटिविटी करी है, मतलब सार्थक है ना वो छोटा बड़ा, तो सार्थक लाया था ये कुछ वर्ड्स, तो ये वर्ड्स उसने अंदर रूम में टांग रखी थी, बट मैं लेके आया बाहर और इसे मैंने टांग दिया यहाँ पे। वर्ड्स यही अच्छी लगती है ना छत पे, कहाँ है ये वाली वर्ड्स, ये छोटी। वैसे अभी मैंने इसे इतना ऐसे टांग दिया कि यहाँ मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, उसके बाद चढ़ के, और ये है वर्ड्स के अंडे।
वो चूचू करेंगी फिर रियल वाली, वो रियल वाली चूचू करेंगी फिर। अरे तो उनकी पॉटी पॉटी कौन साफ करेगा? सो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और डेली के ब्लॉग्स मेरे ऐसे ही आते रहेंगे। तो बाय बाय गाइस, लव यू, कीप सपोर्टिंग, और गाइस कमेंट करो प्लीज यार, आगे शेयर करो। और चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू मेरी चिड़िया।